कब से नहीं आई? अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी? मैं नहीं आऊंगा। क्या आरोही को मिलेगा ब्रेक? किसे है गानों से नफरत? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म आशिकी 3 के बारे में। आशिकी एक 1990 की हिंदी म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो सुपर डुपर हिट हुई थी, जिसके बाद फिल्म का सीक्वल 2013 में रिलीज हुआ था और उसने भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई की थी। वही अब जल्दी ही हम फिल्म का थर्ड सीक्वल भी देखेंगे, जिसकी कहानी कुछ इस तरह की हो सकती है। कहानी की शुरुआत होती है आरोही यानी दिशा पाटनी से, जो एक क्लब में गाना गा रही होती है और उसका गाना सुनकर सभी लोग उसके गाने में खो जाते हैं, जहां एक म्यूजिशियन भी होता है और आरोही के गाने सुनकर वो उससे इंप्रेस हो जाता है। जैसे ही आरोही गाना गाकर वहां से जा रही होती है, म्यूजिशियन रवि यानी शाद रंधावा उसके पास आता है। रवि इंडस्ट्री का एक जाना माना म्यूजिक प्रोड्यूसर होता है, जहां रवि आरोही को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि उसे उसकी सिंगिंग बहुत अच्छी लगी और वो उसे फ्यूचर में जरूर हायर करेगा। ये सुनकर आरोही खुश हो जाती है, लेकिन रवि उससे कहता है, तुम अच्छा गा रही हो लेकिन कुछ मिसिंग है तुम्हारे गानों में। रवि आरोही से पूछता है कि वो उसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो आरोही उसे बताती है कि वो एक क्लब में पार्ट टाइम सिंगिंग करती है, बाकी वो पूरे दिन म्यूजिक थेरेपी पर काम कर रही है। वही रवि उससे पूछता है कि क्या म्यूजिक थेरेपी सच में काम करती है, तो आरोही कहती है, हाँ बिल्कुल। तब रवि कहता है कि मेरा एक दोस्त है जिसे उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो गानों से बहुत चिढ़ता है, क्या तुम उसकी हेल्प कर सकती हो? तो आरोही कहती है, जी ज़रूर कर सकती हूँ, बट आपको हॉस्पिटल आकर इस बारे में बात करनी होगी, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन रवि हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो आरोही से बात करता है और आरोही उसे अपने सीनियर डॉक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती है। वही रवि सीनियर डॉक्टर मिस्टर शाह यानी महेश ठाकुर से बात करने के लिए उनकी कैबिन में चला जाता है, जहां आरोही रिसेप्शन की तरफ जा रही होती है, वही उसकी नजरें जाती एक लड़के की ओर जो गार्डन में फूल की पंखुड़ियों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, और आरोही उसकी तरफ आगे बढ़ती है। आरोही उससे कहती है, फूलों से प्यार है तुम्हें, और वो लड़का मुड़ता है, जहां आरोही उसे देखती है और उसकी आंखों को देखती ही रह जाती है, जिसके बाद वो लड़का उसे जवाब देता है, हाँ फूल बहुत नाजुक होते हैं, ठीक इंसान के दिल की तरह, अगर कोई छेड़ दे तो वो मुरझा जाते हैं। जिसके बाद रवि आता है और राहुल यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा से कहता है, राहुल आरोही से मिलो, इन्हीं की वजह से हम यहाँ आए हैं। जहाँ वो आरोही और राहुल को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है, राहुल कहता है, तुझे पता है ना मुझे गानों से कितनी नफरत है, और तू मुझे वही ले आया, मैं यहाँ सिर्फ 2 सेशंस करूँगा, वो भी तेरे कहने पर बस। और रवि कहता है, हाँ भाई पर 2 सेशंस तो अटेंड कर ले। वहीं पर डॉक्टर शाह यानी आरोही के हेड आते हैं और राहुल से मिलते हैं। डॉक्टर राहुल से कुछ सवाल पूछने लगते हैं और दोनों ही आगे निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही रवि से पूछती है, आखिरकार राहुल को थेरेपी की जरूरत क्यों है, और अगर उसे गानों से इतनी चिढ़ है तो वो म्यूजिक थेरेपी क्यों ले रहा है? जिसके बाद रवि उससे कहता है कि राहुल के पास में कुछ ऐसा हो चुका है जो वो आज तक नहीं भुला पाया, और उसका कितना इलाज किया पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तुमसे मिलाने के बाद मुझे पता चला कि म्यूजिक थेरेपी माइंड को हील करती है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाए, बस इसीलिए मैं उसे तुम्हारे यहाँ ले आया हूँ। आरोही कहती है, ठीक है पर इसके लिए सिर्फ 2 सेशंस में काम नहीं होगा। राहुल ये सुनते ही चुप हो जाता है और कहता है, राहुल को मनाना बहुत ही मुश्किल है, तो आरोही तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेशंस है राहुल को रोकने के लिए। तो क्या बदलेगी राहुल की पसंद? क्या आरोही के गानों से ठीक हो पाएगा राहुल? आगे की कहानी जानने के लिए आपको अगली वीडियो का करना पड़ेगा वेट। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।